इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे बड़े बड़े कॉकरोच छोटी ततैया का शिकार बन जाते हैं, कीड़े मकोड़े कैसे छिपकर वार करते हैं, और मिलिए कीड़े मकोड़ों की दुनिया के कई सारे यमराजों से। सो बिना समय गवाए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। नंबर 9 पर है एंट लायन। एक विकसित एंट लायन दिखने में किसी ड्रैगन फ्लाई जैसा दिखता है, जिसे देखकर आप बोलोगे कि यह खतरनाक तो नहीं हो सकता। एंड शायद आप सही भी हैं, बट इसके लार्वा के बारे में आप नहीं जानते, जिससे कि यह टॉप लेवल शिकारी बन जाता है। एक एंट लायन का लार्वा रेत के अंदर छिपा होता है और यह सभी जीवों को पलक झपकते ही पकड़ लेता है, जो कि इसकी रेत के छोटे से गड्ढे के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि रेत के ढेर में यह कुछ इस तरह से छिपा होता है जहां इसका सिर्फ मुंह या कह सकते हैं कि डंक वाला एरिया ही बाहर रहता है, और वह तब तक ऐसे ही बैठा रहता है जब तक कि इसके कोई शिकंजे में ना फंसे। इसलिए एंट लायन काफ़ी ज़्यादा समझदार शिकारी होते हैं, क्योंकि ये रेत के गड्ढे में भागने वाले जीवों पर रेत फेंकते हैं ताकि वह जल्दी से ना भाग पाएं और डायरेक्टली उसके डंक पर आ गिरे। ये खतरनाक छुपा रुस्तम खिलाड़ी छोटे से बड़े कीड़ों की किसी भी कैटेगरी को खा सकता है, क्योंकि पापी पेट का जो सवाल है। नंबर 8 पर है एमराल्ड कॉकरोच वास्प। आपने जॉम्बी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें एक बार काटने के बाद इंसान ना तो पूरी तरीके से मर पाता है और ना ही जिंदा रह पाता है। भले ही यह मूवीज में कितनी भी कल्पना हो, लेकिन इंसेक्ट वर्ल्ड में यह उतना ही सच है। एमराल्ड वास्प यानी कि ततैया दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और रंग बिरंगा होता है, लेकिन इसकी शक्ल पर मत जाओ, क्योंकि यह शिकार करने में बहुत ही हैवी ड्राइवर है। ये 2 सेंटीमीटर लंबा ततैया अपने से बड़े आकार के कॉकरोच को अपना शिकार बना लेते हैं, क्योंकि एमराल्ड वास्प के काटने मात्र से ही कॉकरोच पैरालाइज हो जाता है, और जो कि हिल डुल भी नहीं पाता, और कुछ देर बाद ये वास्प कॉकरोच का एंटीना पकड़कर उसे अपने बिल में ले जाकर हफ्ते भर तक, जी हाँ हफ्ते भर तक, इस कॉकरोच को जिंदा चबाता रहता है। नंबर 7 पर है असासिन बग। आपको इस कीड़े के नाम से ही पता लग गया होगा कि यह किस लेवल का शिकारी होगा। यह किसी भी कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बना सकते हैं, क्योंकि यह अपनी दुनिया के जीवों के लिए यमराज होता है। इंसेक्ट वर्ल्ड में असासिन बग को मौत की मशीन कहा जाता है, क्योंकि इसके शरीर पर एक खतरनाक हथियार जुड़ा होता है, जिसे वह अपने डंक और मुंह दोनों की तरह इस्तेमाल करता है। असासिन बग घात लगाकर हमला करता है, मौका पाते ही यह अपना डंक शिकार के शरीर में घुसेड़ देते हैं और उसके अंदर का मौजूद एक एक मटेरियल सोख लेते हैं, जिससे कि शिकार की मौके पर ही मौत हो जाती है। नंबर 6 पर है स्पाइडर की ये अनोखी प्रजाति। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पर इंसेक्ट वर्ल्ड के यमराज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हम इस मकड़ी को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें जाले बनाने की खास कला होती है और जो बेहद ही बेरहम भी होते हैं, क्योंकि यह आपकी सोच से तेज रफ्तार से अपना शिकार को दबोच लेते हैं। इस तरह के स्पाइडर किसी पेड़ के खोखले हिस्से या मिट्टी में गड्ढा खोदकर उसे जाले से भरकर ढक देते हैं, और जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा इसके बिल के आसपास आता है या इसके जाले पर पैर रखता है, वैसे ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यह मकड़ी अचानक अपने शिकार को धर दबोचती है और अपने अंधेरे बिल में ले जाकर यह अपने भोजन को काफी चाव से खा जाती है। इस तरह की प्रजाति वाले स्पाइडर में सिर्फ फीमेल मकड़ी ही शिकार करती है, क्योंकि मेल स्पाइडर सिर्फ फीमेल स्पाइडर से संभोग करने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और इनकी ही प्रजाति में कुछ असली यमराज लेवल मकड़ियों के सिर पूरी तरह से फ्लैट या ढक्कन की तरह बने होते हैं, जिससे कि यह अपने बिल को ढकने या बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस जीव को टर्टल एंड कहा जाता है, जो कि दरवाजे की तरह अपने सिर को बिल बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई दूसरा जीव इनके बिल में घुसकर कब्जा ना कर सके। नंबर 5 पर है यूपीथेसिया कैटरपिलर। वैसे तो इन कैटरपिलर को शाकाहारी माना जाता है, क्योंकि वह ताजा पत्तों को खाते हैं, पर अमेरिका के हवाई में रहने वाले ये कैटरपिलर एक गॉड लेवल हंटर हैं। ये दूसरे जीवों को अपना आहार बनाते हैं। ये कैटरपिलर किसी भी पौधे के पत्ते या टहनियों पर रहते हैं, और क्योंकि इनका रंग पत्तों और टहनियों से काफी ज्यादा घुल मिल जाता है, तो इनका शिकार इनकी मौजूदगी को भांप नहीं पाता, और तब होता है एक जोरदार हमला। जब कोई जीव इनके काफी ज्यादा करीब आ जाता है, तो यह उसे अपने मुंह पर बनी हाथ के जैसी संरचना से जकड़ लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें चीर फाड़ कर अपनी भूख मिटाते हैं। नंबर 4 पर है प्रीडेटरी फायरफ्लाइज। यह जीव अक्सर पेरू के जंगलों में पाए जाते हैं, जो रात के समय अपनी बॉडी को चमकाते रहते हैं, ताकि इनकी चमक से आकर्षित होकर कई सारे कीट पतंगे इसकी ओर खींचे चले आएं और खुद मौत के दर्शन कर लें।
ये जीव मिट्टी में बने छेद में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह जगह इसके लिए काफी लकी होती है, क्योंकि मिट्टी या कीचड़ के चिपचिपे होने की वजह से कोई भी जीव जल्दी से यहाँ से भाग नहीं पाता और वहीं फंसा रह जाता है। और ऐसा सीन देखते ही अपना भाई बिल से बाहर निकलकर अपने से बड़े जीवों को काट खाता है। नंबर 3 पर है बीटल एंट। चींटियां इंसानों को काटती है, यह तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कुछ चींटियां इंसानों को मार भी सकती है। अगर ऐसा नहीं सुना तो मिलिए इस चींटी से जिसका नाम है बुलेट एंट। 24R एंट के नाम से प्रसिद्ध यह चींटी साउथ अमेरिका के जंगलों में पाई जाती है। इस बुलेट एंट को 24R एंट के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इसके काटने के बाद पूरे शरीर में पूरे एक दिन यानी कि पूरे 24 घंटे तक दर्द रहता है। यह दर्द इतनी तेज होता है कि कई लोगों को तो सुसाइड के ख्याल भी आने लगते हैं। अब जरा सोचिए कि एक बुलेट एंट के काटने से जब इतना दर्द होता है तो उन कीड़ों का क्या हाल होता होगा जिनको पूरा झुंड पकड़ कर ले जाता है। नंबर 2 पर है प्रीडेटरी सी पॉलीकैट वॉर्म। यह जीव समुद्र में 30-40 फीट की गहराई में रहते हैं और इस जीव की लंबाई 2-3 मीटर तक होती है। इसके शरीर का सिर्फ सिर वाला भाग ही जमीन के ऊपर रहता है और बाकी सारी बॉडी जमीन के भीतर होती है। इसके सिर पर लगे 5 एंटीना आसपास की हलचल की सारी जानकारी इसे देते रहते हैं और जैसे ही जब कोई छोटी मछली इसके मुंह के पास आती है तो यह पलक झपकते ही उसे पकड़ लेते हैं। और इसके द्वारा किया गया यह हमला इतना तेज होता है कि कई बार बड़े जानवर 2 टुकड़ों में टूट जाते हैं और यही इसके लिए से समुद्री जीवों का यमराज बनाती है। और यही नहीं, यह किसी भी जीव को अपना शिकार बना सकते हैं क्योंकि इनमें हर जीव को पैरालाइज करने की क्षमता होती है जिसकी मदद से यह आसानी से शिकार कर सकते हैं। और अब फाइनली हमारा नंबर 1 कीड़ा आ चुका है जिसका इंतजार आपको और मुझे काफी बेसब्री से था और इस कीड़े को आप कई बार अपनी लोकेलिटी में देख चुके होंगे। तो नंबर 1 पर है जाइंट वाटर बग। यह खतरनाक और निडर कीड़ा लगभग दुनिया की हर जगह में पाए जाते हैं और इस बग की धरती पर 150 से भी ज्यादा प्रजाति पाई जाती है जिसमें से सबसे बड़ा वाटर बग अमेरिका में पाया जाता है जो 10 से 15 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इसकी लार में किसी भी जीव को पैरालाइज करने के तत्व पाए जाते हैं जिससे कि यह पानी में मौजूद लगभग हर बड़े जीव यहाँ तक कि सांप तक को अपना शिकार बना लेते हैं क्योंकि यह अपनी दुनिया में छोटा पैकेट बड़ा धमाका होते हैं। तो दोस्तों अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ ऐसी ही साइंस स्पेस और एनिमल वर्ल्ड से जुड़ी हुई दिलचस्प वीडियो हर संडे सुबह 11 बजे पाने के लिए इस चैनल द साइंस सिस्टम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं हम ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।